अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमे का, हाँ, और हमारे इधर है आज हमारा मेला लगा हुआ फन फेयर, उधर जा रहे हैं सब लोग। अभी हमने ग्रैब बुक करवाई है, मेरा ख्याल ग्रैब आ चुकी है। अभी यहाँ पे हम खड़े हैं बस स्टैंड पे और वेट कर रहे हैं हम अपनी ग्रैब का, देखते हैं कब तक ग्रैब आती है और चलते हैं फन फेयर पे। जी साजद जी, साकब जी, साकब, सॉरी साकब जी, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा इंतहाई, बहुत। और राइट और राइट, और ग्रैब भी फाइनली आ चुकी है। चलो जी, ग्रैब आ चुकी है, अभी ग्रैब में बैठते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। कितना टाइम लगेगा? ओके जी, अभी हम पहुंच चुके हैं फन फेयर की डेस्टिनेशन पे। आपको दिखाता हूँ अपने बैक व्यू, ये है जी फन फेयर। हाँ जी, चलिए चलो अंदर। ओके जी, चलो अंदर। ये जी हमारा फन फेयर जी गाइस, अभी क्रिसमस आने वाला ना, इसलिए ये थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल करते हैं इधर। बोलो फ्री मास अभी इसका पता नहीं, इस यात्रा में क्या मसला पड़ गया यार। अभी यहाँ से लेंगे जी टिकट, फी आदमी है 5 रुपये टिकट, हाँ ये लिखा हुआ। बच्चों के लिए 3 रुपये, बड़ों के लिए 5 रुपये, छोटा गोला 3 रुपये, बड़ा गोला 5 रुपये। अभी मेरी पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही।
गेम वगैरह खेलने लग गए थे, लेकिन हमें बिल्कुल इसका पता नहीं था कि ये किस तरह खेलेंगे, क्या सीन है। ये उन्होंने हमें एक दिया था टैबलेट का और उसके ऊपर नंबर थे, और उन्होंने बोला कि अगर तीन आपके नंबर सेम आ गए तो आपको इनमें से कोई भी, ये जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं बालू वगैरह, ये मिलेगा। तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था ये कैसे खेलते हैं और कैसे नहीं, लेकिन हमने जीत लिया था। सामने आपको जो मशीन नज़र आ रही है गोल गोल, उसके और उसके अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं बलून वगैरह, ये घूमते हैं, इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, और जो हमारे पास टैबलेट है उसके ऊपर भी नंबर लिखे होते हैं। अगर इसके जो अंदर नंबर निकलेगा और उस हमारे टैबलेट के अंदर जो नंबर होगा वो सेम होगा तो फिर हम विन करेंगे इनमें से कोई भी एक। जो टेडी बियर नज़र आ रहे हैं ये, और तीन सेम होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए, ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट हो, एक सीक्वेंस में होने चाहिए और सेम होने चाहिए। जो इस मशीन में से निकलेगा बलून उसके ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो वाला। तो ये पता नहीं क्या सीन था, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फ़िलहाल हमने एक जो है ना टेडी बियर वो जीत लिया था, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना नंबर, ये सीक्वेंस के साथ होने चाहिए लाइन में, ये नहीं है कि इधर उधर इधर उधर होने चाहिए। अगर ये लाइन में होंगे तो तब हम जीतेंगे, अदरवाइज़ नहीं। हम लोग तकरीबन 15-16 लोग बैठे हैं सारे साइडों पे, आपको वो नज़र आ रही हैं सामने लड़कियां, इधर भी लोग बैठे हैं, तो सब लोग बैठे हैं और सबके पास इस तरह के टैबलेट है। तो जिसमें ऐसे वो जीतेगा जिसके नंबर, ये जो गोल गोल मशीन है इसमें से जो नंबर निकलेगा उसके सेम सेम होगा वो जीतेगा, दूसरे जो सब वो हार जाएंगे। फनफेयर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अब सब लोग हम थक चुके थे और हमने सोचा कि चलो अब वापस घर में चलते हैं। सो अब हम वापस जा रहे हैं घर पर, क्योंकि टाइम हो गया था मेरा ख्याल है 10:30 का, तभी हमें जाना चाहिए था। नींद भी आने लग गई थी, आंखें दर्द कर रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।